आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन ने नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। 81 गांवों के किसान नोएडा प्राधिकरण पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिनको रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया था। उन्हीं को लेकर आज मुरादाबाद मंडल प्रभारी पवन खटाना के नेतृत्व में नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया गया, जिसमें चेयरमैन एवं CEO व अन्य अधिकारियों के आश्वासन दिया। जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी सभी किसानों को रिहा कर दिया जाएगा एवं जिन किसानों की आबादी जैसे है उस पर किसानों के साथ बैठक कर जस के तस आबादी को छोड़ जाएगा। नोएडा से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। आज नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो नोएडा के किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, उनको लेकर के नोएडा के प्राधिकरण पर आए यहाँ के अधिकारियों के साथ में जो चेयरमैन साहब, CEO मैडम और ACO तथा प्रशासनिक अधिकारियों से एक वार्ता की। उसमें सबसे जो पहला मुद्दा रखा गया वो ये रखा गया जो हमारे किसान गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वहाँ से रिहा किया जाए। आपने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि कुछ किसानों को रिहा कर दिया गया है और कुछ किसानों की रिहाई की कार्रवाई चालू है, अति शीघ्र सभी किसान रिहा हो जाएंगे। उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया कि नोएडा के किसान के साथ प्राधिकरण कोई गलत कार्य नहीं करेगा और जो आबादी जिस तरीका की जिसकी जैसी बनी हुई है उसको बैठा करके उसके साथ में मिलकर के उन आबादियों का निस्तारण किया जाएगा, ना कि इस तरीका की कोई कार्रवाई की जाएगी। हम पूरी तरीके से इस पर नजर लगाए हुए हैं। अगर हमारे किसान वहां से रिहा नहीं होते तो हम आंदोलन करेंगे, अगर रिहा हो जाते हैं और यहाँ की समस्या निस्तारण हो जाती है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं होती तो सभी लोग आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान, जय टिकैत।